हर महादेव। नमस्कार, कलयुग प्रथम चरण में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे हों। साथियों, आज हम इस वीडियो में एक अचूक वशीकरण दे रहा हूँ। तो मित्रों, वशीकरण का प्रयोग कई जगह किया जाता है, लेकिन वशीकरण का प्रयोग वही करना चाहिए जबकि आपको अति आवश्यक हो या और किसी से आप प्रेम बढ़ाना चाहते हैं तो उससे आप जीवन साथ को निभाइए। तो मित्रों, आजकल वशीकरण ज्यादा लोग स्त्री वशीकरण के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वशीकरण एक ऐसा चीज है कि आप किसी को भी वश में करके आप अपना काम को बना सकते हैं, बड़े बड़े लोगों से दोस्ती भी लगा सकते हैं। बस केवल नाम जानकारी होना चाहिए, तब आप अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती भी बढ़ा सकते हैं, अपना फंसा हुआ काम को भी निकलवा सकते हैं। तो मित्रों, इसे कहते हैं वशीकरण। लेकिन गलत जगह प्रयोग न करें, किसी को परेशान करने के लिए बिल्कुल न करें। जब अति आवश्यक हो तभी करें। तो मित्रों, आज जो मैं वशीकरण दे रहा हूं इसमें दिनवार की कोई जरूरत नहीं है, आप किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आप पंसारी के दुकान पर, मित्रों देखिए ये काली एक गूंजा है मित्रों, तो मित्रों इसको घुगची भी बोलते हैं, रत्ती भी बोलते हैं, करगिरी भी बोलते हैं, इसके कई नाम हैं। तो मित्रों, इसको आप पंसारी के यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप पंसारी से जाकर बोलें कि हमें काला घुगची चाहिए या गूंजा चाहिए या रत्ती करगिरी, जो भी नाम लेंगे वह समझ जाएगा। तो स्क्रीन पर भी काली गूंजा आप देख लें। तो मित्रों, यह लाल वाली से ही काली उसमें कोई कोई निकल जाता है, तो यह महंगी आता है। और मित्रों, एक छोटा सीसी शहद यानी मधु लेना होगा। अब मित्रों, इस काली गूंजा में से आपको 7 पीस लेना है, यानी 7 नग काली वाली में से। और यह उपाय करते समय आप जिसको भी बस में करना चाहते हैं उस व्यक्ति का पूरा तस्वीर को उतारें, और नाम जरूरी है, तो तस्वीर और नाम बिल्कुल शरीर में आत्मा में उतार लें कि वही व्यक्ति है, उस व्यक्ति का यह नाम है। अब मित्रों, उस व्यक्ति का 21 बार नाम ले और तस्वीर को दिल में उतार ले। अब 7 काली गूंजा को लेकर 21 बार उसका नाम लेकर ये गूंजा के ऊपर, काली गूंजा के ऊपर नाम को बोल देना है, और बोलने के बाद फूंक मार दें और इस शहद यानी मधु में अंदर डाल दें, और डाल के मित्रों अब इसको अच्छी तरह से बंद कर लें, और बंद करके अपने घर में इसे छुपा कर रख दें। ऐसा रखें किसी का नजर न पड़े। अब मित्रों, जिस व्यक्ति के लिए आप किए हैं, आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में वह व्यक्ति धीरे धीरे आपके तरफ
आकर्षित होता जाएगा। ऐसे करते करते कुछ दिन में वह संपूर्ण रूप से आपके बस में हो जाएगा, आपके मुट्ठी में हो जाएगा। अब जब मुट्ठी में होगा तो आप उसे अपने बस में करके उसे नाच नचा सकते हैं। चाहे वह व्यक्ति पत्थर दिल का हो, घमंडी हो, कठोर हो, बस में हो जाएगा, आपके अनुकूल हो जाएगा, जो कहेंगे करने के लिए तैयार होगा। तो मित्रों, यह एक छोटा सा अचूक वशीकरण उपाय है। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।